मंडला को लेकर दावा किया गया कि ये जिला कार्यात्मक रूप से पूरी तरह साक्षर हो चुका है और ये दावा किसी और ने नहीं, खुद कलेक्टर ने किया। कार्यात्मक रूप से साक्षर मतलब होता है जिले का प्रत्येक नागरिक अपना नाम लिख सकता है, उसको अक्षर ज्ञान है और गिनती भी लिख लेता है, कर लेता है। लेकिन क्या वाकई में मंडला में ऐसा है? द सूत्र ने पड़ताल की कि क्या है इस दावे की हकीकत। देखिए मंडला से हमारे संवाददाता असगर कुरैशी की ये रिपोर्ट। यहाँ पर रहने वाले लोग अपना बेसिक नाम लिख सकते हैं, उनको अक्षर ज्ञान है और गिनती कर पाते हैं। ये क्योंकि हमारे पास में इस तरह का कोई सर्वे पर से पूरे प्रदेश या देश में नहीं हुआ है, परंतु ये हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे आंकड़े हैं उसके हिसाब से हम अपने ज़िले को कम्प्लीटली डिक्लेयर कर रहे हैं। ट्राइबल जिलों के जो आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध हैं, पर वो पुराने आंकड़े हैं, 2011 के सेंसस के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से जिला बाकी जिलों से आगे बढ़ गया है। मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह ने 15 अगस्त को ये बयान दिया कि मंडला का हर नागरिक अब लिख पढ़ लेता है और मंडला के लोगों को कार्यात्मक रूप से साक्षर करने के लिए प्रशासन पिछले 2 साल से पसीना बहा रहा था। अब कलेक्टर के इस दावे की हकीकत क्या है? द सूत्र ने इसकी पड़ताल की तो देखिए क्या कुछ सामने आया। स्कूल हम गए थे नहीं, हमारे छोटेपन में स्कूल का मुझे खोले थे नहीं आए तो वहाँ जाते हैं। बड़े में पढ़ाते हैं आपको भी? कोई पढ़ाने आता है? जी नहीं। कभी बुलाते हैं स्कूल? जी नहीं। बुलाए थे ना अभी किसी ने? अभी ने बुलाए थे, गए थे मैं। हाँ तो कहे अभी तो नहीं है मैडम, कहे तुम चले जाओ। पढ़ी लिखी हो क्या आप? नहीं जी नहीं पढ़े हम। कुछ पढ़ते बताओ जरा, पढ़ के अगर कुछ बनता हो। कुछ पढ़ते नहीं बनता, कभी पढ़ा ही नहीं है, स्कूल ही नहीं गए। स्कूल नहीं गई? नहीं। कुछ नहीं पढ़े, हिंदी नहीं बनती, पढ़ते अभी सीख रहे हैं क्या? अभी ऐसे बच्चे अच्छे पढ़ते तो उनका देख करके सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यानी कुछ लोग तो स्कूल ही नहीं गए, अक्षर ज्ञान नहीं है तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। कुछ और लोगों से भी पूछा तो वो भी लिखने पढ़ने में समर्थ नजर नहीं आए। पूरा नाम लिखो, पूरा नाम और आगे हैं? तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी। अब ये तो है ग्राउंड रियलिटी जो साफ बता रही है कि लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। अब कलेक्टर ने किस आधार पर कार्यात्मक रूप से जिले को साक्षर बता दिया, ये समझ से परे है। इधर जबलपुर में बैठे प्रौढ़ शिक्षा के अधिकारी भी इस दावे पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि 2020 में केंद्र ने ये योजना शुरू की जो सभी जिलों में लागू हुई। मंडला में 3.5 लाख लोगों को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए चुना गया था और केवल 8.5 हजार से ज्यादा लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। हम ये चिन्हांकन का काम कर रहे हैं अभी। आइडेंटिफिकेशन में हमको जबलपुर में अभी 33,000 ऑनलाइन NIOS का जो पोर्टल है, NIC के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा मोबाइल पोर्टल, उसमें प्रदेश में जबलपुर प्रथम स्थान पर है। चूँकि कोरोना कोविड काल के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है तो हमारे पास जो सेंसस के आंकड़े हैं वे 2011 के हैं। मंडला की भी यदि बात कंपैरिजन यदि आप ऑनलाइन देखेंगे तो मंडला जो है वहाँ पर भी सेंसस के हिसाब से 2011 की जनगणना से 3.5 लाख आइडेंटिफिकेशन हुए हैं, जिसमें कि अभी वहाँ 8,08,800 ही साक्षरों का पंजीयन हो पाया है। मंडला में टेक्निकल प्रॉब्लम जारी थी असाक्षरों को मोबाइल ऐप में पंजीकृत करने के लिए, तो मैंने वहाँ पर पूरे BRC, BAC, CAC सभी प्रिंसिपल्स, प्रधानाध्यापक वहाँ थे और उनको मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग दी, जिसके परिणाम स्वरूप अभी तक मंडला में लगभग 8,800 के आसपास असाक्षरों का ऑनलाइन पंजीयन हो पाया है। यानी 2011 की जनगणना के मुताबिक 3.5 लाख लोग निरक्षर थे। नवभारत साक्षरता मिशन में 35,000 लोगों को साक्षर किया गया, बाकी के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का क्या हुआ? और जब ये 2.5 लाख से ज्यादा निरक्षर हैं, तो फिर कार्यात्मक साक्षर जिला कैसे हो गया? इसी को कहते हैं आंकड़ों की बाजीगिरी। दावे हैं, दावों का क्या? आज आंकड़ों से जुड़ी दो खबरें हमने आपको दिखाई। पहली खबर, एक नया सांख्यिकी आयोग बन रहा है और दूसरा मंडला कलेक्टर का दावा कि पूरा जिला
साक्षर हो चुका है। और इन्हीं दो खबरों से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि सरकार के सांख्यिकी आयोग के गठन के फैसले पर आपकी क्या राय है। पहला विकल्प आपके पास है जनता के पैसे की फिजूल खर्ची है, दूसरा है आंकड़ों में हेराफेरी का लाइसेंस है, और तीसरा जब काम करेगा तब पता चलेगा। आप अपना जवाब, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।